न्यू सेटअप के लिए बर्ड सिलेक्शन, बर्ड किस तरह का सिलेक्ट करना है, अगर हम न्यू कॉलोनी बना रहे हैं, न्यू सेटअप बना रहे हैं, तो हमने अपने न्यू सेटअप में, न्यू कॉलोनी में किस तरह के, किस एज के और किस टाइप के बर्ड डालने चाहिए। बर्ड ओबी में बेसिकली दो तरह के केज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है कॉलोनी केज और एक होता है सेपरेट केज। अगर आपके पास 10 पेयर हैं तो आप 10 अलग अलग केज लगाएंगे। मैंने आपको पहले कुछ टॉपिक्स बताए हैं, अगर इन पर आप अमल करते हैं तो आपके परिंदे ज़रूर अंडे और बच्चे आपको देंगे, यानी आप केज। परिंदों के पर, कबूतर या मुर्गी वगैरह के जो पर हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिंच इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। एक तो दो किस्म की मटकियाँ आती हैं, एक छोटी मटकी, ये फिंच साइज मटकी है, और ये बजरी साइज मटकी है। मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा आप कोशिश करें कि नर एक जगह से और मादियाँ दूसरी जगह से परचेज करें। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इस यंग एज के, यानी कि जो पट्ठों से अडल्ट की तरफ जा रहे हों, इस तरह के बर्ड की सिलेक्शन करनी चाहिए और हमेशा हेल्दी और एक्टिव बर्ड की सिलेक्शन करनी चाहिए। अभी जो है दो स्टिक्स हैं, देख सकते हैं आप, बर्ड एक स्टिक छोड़कर दूसरी स्टिक पर आता है, जिससे वो एक्टिव रहता है और जितना बर्ड एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा। देख रहे होंगे ये गोल स्टिक मैंने लगाई हुई है, दरख्त की लकड़ काट के डायरेक्ट लगाई हुई है। दूसरा फिर कुछ पतली टेनियाँ, जो बिल्कुल बारीक टेनियाँ होती हैं, वो लगाई हुई हैं। जी हाँ, केज डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फिंच की हेल्थ पे, फिंच से ब्रीड हासिल करने पर और उसको एक्टिव रखने के लिए। केज साइज और केज डायरेक्शन दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसमें फिंच के हवाले से जो केज है वो डेढ़ बाई डेढ़ का एक पेयर के लिए परफेक्ट केज होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको खुबैब पेट यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट फिंच सेटअप। जी हां, किस तरह से आप एक प्रॉपर फिंच सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी मुकम्मल डिटेल से एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, केज से लेकर ब्रीडिंग और ब्रीडिंग से लेकर पट्ठे सेल करने तक आप लोगों को एक एक मुकम्मल बात पूरी डिटेल से तफसील से बताऊंगा। मुझे मालूम है आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इस वीडियो के मुख्तलिफ टॉपिक्स बनाकर मैं सेक्शन की सूरत में डाल दूंगा, आप चाहें तो आप अपनी मर्जी का टॉपिक भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की फिश नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो मैं अभी चल के आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले हम किस किस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं, डिटेल से तफसील से हर एक टॉपिक आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो आज के जो मैं टॉपिक इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा केज डायरेक्शन एंड केज लोकेशन, केज साइज, केज एसेसरीज, यानी कि उसके अंदर स्टिक्स वगैरह, बर्तन वगैरह, जो चीज़ें भी हमने रखनी है। जी हाँ, सबसे मेन और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है केज किसी भी बर्ड को रखने के लिए, भले वो फिंच हैं, बजरी, तोते, कॉकटेल, लव बर्ड वगैरह या मुर्गियाँ वगैरह, जो कुछ भी हमने रखना है उसके लिए हमें सबसे पहले बेस चाहिए होती है, और बेस होता है केज। केज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा बर्ड्स की सिलेक्शन, किस तरह के बर्ड, यानी कि फिंच के ऊपर ये वीडियो है, तो किस तरह की फिंचेज हमने अपनी कॉलोनी में या अपने केज में छोड़नी है। सबसे पहले जो भी हम अपना बर्ड लेकर आ रहे हैं वो किस एज का होना चाहिए, उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, ये सारा कुछ हम देखेंगे। बर्ड टाइप्स, मुख्तलिफ म्यूटेशंस होती हैं बर्ड्स की, कौन सी म्यूटेशंस हमने स्टार्ट में रखनी है। ब्रीडिंग बॉक्स के हवाले से बात करेंगे, ब्रीडिंग बॉक्स किस तरह का होना चाहिए, किस किस चीज़ का हम ब्रीडिंग बॉक्स बना सकते हैं। नेस्टिंग मटेरियल पर हम बात करेंगे, नेस्टिंग मटेरियल किस तरह का होना चाहिए, नेस्टिंग मटेरियल क्या क्या चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से नेस्टिंग मटेरियल हमने यूज़ कराना है। हम डाइट के बारे में बात करेंगे, मिक्स सीड, गर्मियों का अलग होता है, सर्दियों का अलग होता है, इसके अलावा ग्रीन फूड हो गया, सॉफ्ट फूड हो गया, मिनरल्स वगैरह और विटामिन वगैरह जो हम देते हैं, और एक और बहुत खास चीज़ पानी। जी हाँ, पानी के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बात बताने वाला हूँ, बहुत से एक्सपीरियंस लोग जो हैं न्यू फैंसियर्स को जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो बताते नहीं है, पानी के हवाले से कोई बात नहीं करता। पानी किस तरह की जगह पे होना चाहिए, किस तरह का पानी हमने बर्ड्स को देना है, कैसे देना है, किस तरह के बर्तन हो, इस सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और सबसे एक अहम बात जिस वजह से न्यू फैंसियर सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो है जी डिजीज़, बीमारी। जी हाँ, कौन कौन सी बीमारी इस बर्ड को लगती है, किस बीमारी से किस तरह से निपटना है, कौन कौन सी दवा यूज़ करानी है, बगैर बीमारी कौन सी दवा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको एंटीबायोटिक वगैरह कहते हैं, तो इसके बारे में मैं तमाम बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो इन सारे टॉपिक्स का मैं सेक्शंस बनाकर वीडियो में डाल दूंगा, आप अपनी मर्जी का टॉपिक भी देख सकते हैं और आप चाहें तो पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपना सबसे पहला टॉपिक, केज किस तरह का होना चाहिए। बात करते हैं केज की, केज किस तरह का होना चाहिए, केज किस किस टाइप के होते हैं और हमें अपने न्यू सेटअप के लिए केज किस तरह का बनाना है। बर्ड ओबी में बेसिकली दो तरह के केज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है कॉलोनी केज और एक होता है सेपरेट केज। कॉलोनी केज क्या है, जिसमें हम बहुत से बर्ड्स एक साथ रखते हैं, 5 पेयर 10 पेयर 3 पेयर या 2 पेयर भी अगर एक साथ हो तो वो कॉलोनी केज कहलाते हैं, यानी कि बहुत से बर्ड्स को एक केज में रखने का मतलब है वो कॉलोनी केज है। और सेपरेट केज या केज बाय केज सिस्टम वो है जिसमें हम एक पिंजरे में, यानी एक केज में एक पेयर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं केज बाय केज। अगर आपके पास 10 पेयर हैं तो आप 10 अलग अलग केज लगाएंगे, जिस तरह से आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि ये एक केज में एक पेयर है फिंच का, तो ये केज सिस्टम कहलाता है।
केज का साइज क्या होना चाहिए? कॉलोनी केज को आप बर्ड की तादाद के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। और अगर केज बाय केज की बात करें, सेपरेट केज सिस्टम की बात करें, तो उसमें फिंच के हवाले से जो केज है वो डेढ़ बाय डेढ़ का एक पेयर के लिए परफेक्ट केज होता है। इससे छोटा केज होगा तो बर्ड की हेल्थ पर फ़र्क पड़ेगा, और इससे अगर बड़ा केज आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसमें खर्चात भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है और उसकी सफाई वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए डेढ़ बाय डेढ़ के जो फिंच केज होता है वो सबसे परफेक्ट है एक पेयर से ब्रीड हासिल करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन की। जी हाँ, केज डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फिंच की हेल्थ पे, फिंच से ब्रीड हासिल करने पर और इसको एक्टिव रखने के लिए। केज साइज़ और केज डायरेक्शन दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। केज डायरेक्शन हमेशा ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, जी हाँ, दोनों मौसम के हिसाब से हमें इस तरह की जगह सेलेक्ट करनी जहाँ पर अच्छे से धूप आए। आप ये मेरे कॉलोनी केज देख रहे हैं जहाँ पर पूरा दिन सर्दियों में भी और गर्मियों में भी पूरा दिन, जहाँ जब तक सूरज होता है तब तक इसके अंदर सनलाइट आती रहती है। तो हमेशा इस तरह की जगह सेलेक्ट करें कि सामने से आपके केज में कम से कम 2 से 3 घंटे सूरज लाजमी पड़े। दूसरी बात, केज की जगह लोकेशन कैसी होनी चाहिए। केज देखिए, दो तरह का केज सिस्टम होता है, एक होता है इंडोर सिस्टम और एक होता है आउटडोर सिस्टम। मैं हमेशा आउटडोर सिस्टम को प्रीफर करता हूँ। आउटडोर सिस्टम क्या होता है कि आपके छत पर, आपके गार्डन में, आपके दरवाजे से बाहर, बलकनी में, कहीं पर भी जो आपने केज बनाया है खुली जगह पर, खुले आसमान में, जहाँ पर ताज़ी हवा और डायरेक्ट धूप वगैरह लगती है, तो उसको, जिस तरह से ये मेरी कॉलोनी है डायरेक्ट छत पर बनी हुई है, तो ये आउटडोर केज कहलाता है। और इंडोर केज क्या है कि आपने अपने घर के अंदर सेन में या आपने अपने कमरे के अंदर छत के नीचे जो केज बनाए हुए हैं वो इंडोर केज कहलाते हैं। इंडोर केज में बर्ड एक तो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, दूसरा बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर कुदरती सनलाइट नहीं मिलती। बर्ड के लिए कुदरती सनलाइट बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं हमेशा आउटडोर केज को प्रीफर करता हूँ। अगर आप इंडोर केज बना रहे हैं तो उसमें आपके खर्चात ज़्यादा इस तरह से होते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मिनरल और विटामिन्स का ख्याल रखना पड़ता है और उसको वहाँ पर एक लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे वो अपनी हीट हासिल करता है और लाइट हासिल करता है। आउटडोर केज की लोकेशन की बात करें तो लोकेशन हमें हमेशा इस तरह की सिलेक्ट करनी चाहिए जो रास्ते पर ना हो, जहाँ से ज़्यादा लोग गुजरे ना। बहुत से लोग सीढ़ी के पास या सीढ़ी की चौकी पर या सीढ़ी के नीचे पिंजरा बना देते हैं, वो जगह बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वो गुजरगाह होती है, रास्ता होता है, वहाँ से आने जाने वाला की वजह से परिंदे डिस्टर्ब होते हैं। तो हमेशा केज इस तरह की जगह पर बनाएं जहाँ पर इंसानों का ज़्यादा चलना ना हो, ज़्यादा गुजरना ना हो। एक चीज़, दूसरा जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, यानी जंगली बिल्लियाँ वगैरह या कुत्ते या चील कबे वगैरह आपके केज को डिस्टर्ब ना करें, जिस वजह से आपका परिंदा डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको अच्छी ब्रीड मिलेगी। तो हमेशा इस तरह की लोकेशन सेलेक्ट करें जो बिल्कुल एक कोने में एक साइड पर हो। तो हमने 2 से 3 चीज़ें का ख्याल रखना है, एक तो सनलाइट का, दूसरा फ्रेश एयर का, तीसरा हमने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो। और एक और चीज़ को मद्देनजर रखना है कि डायरेक्ट हवा कभी भी केज को ना लगे। आप देख रहे हैं मैंने अपने केज को एक तरफ से बंद किया हुआ, प्लास्टिक लगा के जितने भी मेरे पास केज है सबको मैंने एक साइड से बंद किया हुआ। गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में हमें डायरेक्ट हवा से अपने परिंदों को बचाना होता है। हवा होती है गर्मी की सर्दी की, उस वजह से परिंदा बीमार हो सकता है। तो ये भी हमने देखना है कि फ्रेश एयर तो आए मगर डायरेक्ट हवा परिंदे को ना लगे। केज एक्सेसरीज़ क्या है, केज में क्या क्या एक्सेसरीज़ होनी चाहिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है केज स्टिक्स। किस तरह की स्टिक्स हमने लगानी है और कितनी स्टिक लगानी है, भले वो कॉलोनी केज है या सेपरेट केज है, कम से कम मिनिमम 2 स्टिक्स बहुत लाजमी है कॉलोनी केज में या सेपरेट केज में। कॉलोनी केज में मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कितनी स्टिक्स लगाई हुई हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये गोल स्टिक मैंने लगाई हुई है, दरख्त की लकड़ काट के डायरेक्ट लगाई हुई है। दूसरा फिर कुछ पतली टेनियाँ जो बिल्कुल बारीक टेनियाँ होती हैं वो लगाई हुई हैं, और यहाँ पर कुछ चौड़ी लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। यानी कि कॉलोनी मैंने अपने बर्ड्स को हर तरह की वैरायटी दी हुई है, हर तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पर मेरे बर्ड्स कंफर्ट महसूस करते हैं उसी स्टिक पर बैठते हैं। तो इस तरह का आपको केज बनाना है कि जिसमें आपका बर्ड कंफर्ट रहे, और ज़्यादा स्टिक्स होना इसलिए ज़रूरी है कि बर्ड एक्टिविटी करेगा। अगर एक स्टिक होगी केज में तो बर्ड पूरा दिन उस स्टिक पर ही बैठा रहेगा, ज़्यादा स्टिक्स होंगी तो पूरा दिन बर्ड जो है एक स्टिक से दूसरी स्टिक पर जाएगा, जिससे कि बर्ड एक्टिव रहेगा। बर्ड जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा। स्टिक्स के बाद दूसरे नंबर पर कुछ चीज़ें आती हैं, इस तरह से नमक और समुद्री जाल, ये आती हैं जनाब इनकी खुराक के तौर पर। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि 12 महीने 24 घंटे आपके बर्ड केज में होनी चाहिए, ख़ास तौर पर फिंचेस के लिए। ये दो चीज़ें हैं, हर परिंदे के लिए अलग चीज़ होती है, लेकिन फिंचेस के केज में आपको ये नमक का पत्थर और समुद्री जाग रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक तो इनके विटामिन और कैल्शियम वगैरह को कमी को पूरा करती है, दूसरा क्या है कि पत्थर पर चोंच मारने से इनकी चोंच भी ठीक रहती है, चोंच का जो बढ़ने का इशू होता है वो नहीं आता। इसके अलावा केज एक्सेसरीज़ में नेस्ट बॉक्स वगैरह आ जाते हैं,
दाने के बर्तन आ जाते हैं, दाने का बर्तन के ऊपर बाद में हम आएंगे किस तरह का होना चाहिए, पानी का बर्तन यानी ये पॉट्स वगैरह, स्टिक्स और इसके अलावा ये नमक वगैरह जो चीज़ें हैं ये सब बर्ड्स एक्सेसरीज में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। मैं अभी आप लोगों को सेपरेट केज भी दिखाता हूँ, उसमें मैंने अपने जो है एक केज में कम से कम दो स्टिक्स लगाई हुई हैं। यहाँ पर मैंने ये एक फर्जी केज बनाया हुआ है दिखाने के लिए आप लोगों को सेपरेट केज, इसमें भी जो है दो स्टिक्स हैं, देख सकते हैं आप। बर्ड एक स्टिक छोड़कर दूसरी स्टिक पर आता है जिससे वो एक्टिव रहता है, और जितना बर्ड एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो आपने सेपरेट केज बनाए हुए, ये कॉलोनी केज बनाए हुए, कम से कम दो स्टिक्स लाजमी लगाएं, और अगर आप ज़्यादा लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। मुख्तलिफ इकसाम की मोटी पतली और छोटी लकड़ियाँ लगाएं ताकि परिंदा जिस पर कंफर्ट महसूस करे उस पर बैठे अपनी मर्जी से। केज में दाने और पानी का बर्तन कैसा होना चाहिए, किस जगह पर रखना है, और गर्मी और सर्दी के हिसाब से पानी का बर्तन अलग होना चाहिए। बर्तन को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जो स्टिक्स की पहुंच से दूर हो, यानी कि बिल्कुल बर्तन के ऊपर स्टिक ना लगी हुई हो। उससे क्या होता है कि परिंदा जब स्टिक के ऊपर बैठता है और वो ड्रॉपिंग करता है, बीठे करता है, तो वो सीधा आपके पानी के या जो उनके दाने का बर्तन है उसके अंदर ना गिरे। तो इस तरह की जगह हमेशा सेलेक्ट करें आप परिंदे के दाने या पानी के लिए जो स्टिक से बिल्कुल साइड पर हो और बर्तन ऊपर से बिल्कुल खाली हो, बर्तन के ऊपर ना नेस्ट बॉक्स हो और ना ही स्टिक हो। सर्दियों में जो है आप प्लास्टिक का इस तरह का बंद बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में परिंदे को नहाने नहीं देना आपने, इसके लिए हमने जो है बंद बर्तन का इस्तेमाल करना है, और प्लास्टिक के बर्तन में पानी देर से ठंडा होता है जिस वजह से हम सर्दियों में प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी का इस तरह का खुला बर्तन गर्मियों में आपने इस्तेमाल करना है, इससे क्या है कि परिंदा एक तो गर्मी में ठंडा पानी से नहाता है, और दूसरा मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है जिससे कि गर्मी में परिंदे को गर्म पानी नहीं मिलता, पीने को ठंडा पानी मिलता है। तो गर्मियों में जो है हमने खुला और मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना है, और सर्दियों में प्लास्टिक का बंद बर्तन इस्तेमाल करना है। इस तरह से दाने का बर्तन गर्मी और सर्दी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं ये मिट्टी का। न्यू सेटअप के लिए बर्ड सिलेक्शन, बर्ड किस तरह का सिलेक्ट करना है, अगर हम न्यू कॉलोनी बना रहे हैं, न्यू सेटअप बना रहे हैं, तो हमने अपने न्यू सेटअप में न्यू कॉलोनी में किस तरह के, किस एज के और किस टाइप के बर्ड डालने चाहिए, किस हेल्थ के बर्ड होने चाहिए, और इसी के साथ साथ मैं आपको बर्ड टाइप भी बता दूंगा किस म्यूटेशन की फिंचेस हमने अपने न्यू सेटअप में डालनी है। हमें हमेशा यंग एज के यानी कि जो पट्टों से अडल्ट की तरफ जा रहे हों इस तरह के बर्ड की सिलेक्शन करनी चाहिए, और हमेशा हेल्दी और एक्टिव बर्ड की सिलेक्शन करनी चाहिए। बर्ड की एज पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ मुकम्मल डिटेल में, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप न्यू सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह का बर्ड डालना चाहिए। बर्ड की एज के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जाकर वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, देख सकते हैं। बर्ड एज, फिंच एज के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है। यहाँ पर इस तरह के पट्टे आपको नज़र आ रहे हैं यानी कि हाफ चोंच ब्लैक है और हाफ क्लियर है। हमेशा फर्स्ट टाइम में आपने इस तरह के पट्टे, इस तरह के बर्ड लेने जो कि अभी ब्रीड के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे होते हैं। इसमें हमें दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो हमें पता होता है कि बर्ड जो है बिल्कुल यंग है और बर्ड फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, दूसरा क्या है कि बर्ड हमारे घर पर आके बिल्कुल हमारे केज में जो है आदी हो जाएगा, हमारे केज में तैयार होगा, उसको अपने केज की आदत हो जाएगी और उस हिसाब से अपनी सेटिंग बना लेगा। बूढ़ा बर्ड लाएंगे या पुराना बर्ड लाएंगे या बड़ा बर्ड लाएंगे, जैसे बिल्कुल जिसकी चोंच बिल्कुल साफ़ होती है, उसमें हमें क्या नुकसान आते हैं कि एक तो हमें पता नहीं होता कि इससे पहले कितनी ब्रीड कर चुका है, अब हमारे पास आने के बाद वो ब्रीड करेगा भी या नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्या पता एक या दो ब्रीड के बाद वो फारिग हो जाए। दूसरा, उसको सेट होने में टाइम लगता है क्योंकि वो पहले किसी और केज में सेट होता है ब्रीडिंग के हवाले से, हमारे केज में आकर उसको ज़्यादा टाइम लगता है सेटिंग करने में। बर्ड टाइप्स की बात करें यानी म्यूटेशंस की बात करें, तो अगर आप जेब्रा फिंच कॉमन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप जो है मिक्स ब्रीड रखें, जैसे कि ब्लैक चिक, वाइट चिक, जेब्रा ग्रे फिंच, जेब्रा सिल्वर फिंच, जेब्रा फॉन फिंच, ये सब आपको तकरीबन एक ही रेट पर मिल जाएंगी, ये 150 रुपए के फ़र्क के हिसाब से मिल जाएंगी। तो आप अगर 5, 10 पेयर या 20 पेयर से शुरू कर रहे हैं तो दो दो तीन तीन पेयर हर ब्रीड के डाल लें, 3 पेयर ब्लैक चिक के, 3 पेयर वाइट चिक के, इस तरह से मुख्तलिफ बर्ड्स डाल लें। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे पास सारी मिक्स ब्रीड हैं जिसमें ग्रे फिंच है, वाइट चिक है, ब्लैक चिक है, वाइट जेब्रा फिंच है। तो इस तरह की हमेशा मिक्स म्यूटेशन डालने से ये होता है कि एक तो आपकी कॉलोनी में स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन आती है, और दूसरा डिफरेंट कलर डिफरेंट म्यूटेशन होने की वजह से आपको रेड भी बर्ड का अच्छा मिल जाता है। बर्ड ख़रीदना किस तरह का है, हमेशा आप कोशिश करें कि नर एक जगह से और मादियाँ दूसरी जगह से परचेज़ करें। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसमें आपको स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन मिलती है। अगर आप बर्ड्स एक ही जगह से परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको नुकसान ये होगा कि एक ही पेरेंट्स के बच्चे मिलेंगे, जिस वजह से ब्लड लाइन जो है काफ़ी कमज़ोर होगी और आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो 2 से 3 अंडों से ज़्यादा का एवरेज नहीं आएगा। इसलिए हमेशा मादियाँ अलग जगह से और नर अलग जगह से परचेज़ करें, जिससे कि नर और ब्लड लाइन अलग होगी और आपके पास एक अच्छी ब्रीड आएगी। नेस्ट बॉक्स या ब्रीडिंग बॉक्स, नेस्ट बॉक्स या ब्रीडिंग बॉक्स क्या होता है, इस तरह कोई भी बॉक्स या छन्नी जिसमें फिंच घोंसला बना सके, अंडे दे सके और बच्चे हैच कर सके, उसको नेस्ट बॉक्स या ब्रीडिंग बॉक्स कहा जाता है। फिंचेस के लिए किस टाइप के, किस इकसाम के ब्रीडिंग बॉक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके सामने कुछ मुख्तलिफ इकसाम के ब्रीडिंग बॉक्स पड़े हैं। सबसे पहला लकड़ी का ब्रीडिंग बॉक्स है,
इसमें भी फिंच अच्छे से ब्रीड करती है। इससे पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से हम अपने फिंचेस के लिए लकड़ी का ब्रीडिंग बॉक्स बना सकते हैं और उसका साइज़ क्या होना चाहिए। 5 इंच बाय 5 इंच बाय 5 इंच का ब्रीडिंग बॉक्स हम लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर मेरे चैनल पर वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा कार्ड बॉक्स का ब्रीडिंग बॉक्स इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से हम ये कार्डबोर्ड का ब्रीडिंग बॉक्स को बना सकते हैं, तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी कॉलोनी में इस तरह के बॉक्स भी लगे हैं और इसमें भी फिंच जो है घोंसले बनाने के बाद अंडे बच्चे कर रही है बहुत अच्छे से। मटकियाँ, दो किस्म की मटकियाँ आती हैं, एक छोटी मटकी ये फिंच साइज़ मटकी है और ये बजरी साइज़ मटकी है। मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा फिंच साइज़ मटकी इस्तेमाल करें, इसके दो बेनिफिट हैं, एक तो ये जगह भी कम लेती है, दूसरा इसमें नेस्टिंग मटेरियल कम आएगा। अगर आप बजरी साइज़ की मटकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें नेस्टिंग मटेरियल भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा और ये जगह भी ज़्यादा लेगी। थर्ड नंबर पर पीवीसी का ब्रीडिंग बॉक्स, किसी भी चीज़ का आप बना सकते हैं इस तरह का बॉक्स वगैरह लेके। मेरे पास ये 3 इंच का पाइप था जिसे मैंने ब्रीडिंग बॉक्स बनाया, जिसके आगे मैंने 2 इंच का होल किया है जिसमें से फिंच बहुत ही अच्छे से नेस्टिंग करके अपने पास अंडे और बच्चे हैच कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी कॉलोनी में मटकियाँ लगी हुई हैं और लकड़ी के बॉक्स, कार्डबोर्ड के बॉक्स और इस तरह से यहाँ पर पीवीसी के बॉक्स भी लगे हुए हैं। ब्रीडिंग बॉक्स डायरेक्शन, ब्रीडिंग बॉक्स की डायरेक्शन की बात करें तो बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। हम जो भी ब्रीडिंग बॉक्स मटकी या छन्नी वगैरह लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। यहाँ आपको मेरी कॉलोनी में जो ब्रीडिंग बॉक्स या मटकियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं इनकी डायरेक्शन बिल्कुल गलत है, कतई गलत है। जी हाँ, ये मेरे पास लगी तो हुई हैं मगर ये इनकी डायरेक्शन बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं लगी हुई, क्योंकि बिल्कुल ये फ्रंट वाली साइड पे इनका मुंह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बॉक्स जो हैं ये बिल्कुल सही लगे हुए हैं। छोटे केज में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मैंने अपनी मटकियाँ लगाई हैं ये इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक से लगी हुई है। वजह इसकी क्या है कि हमेशा जो बॉक्स होता है उसका जो मुँह होता है जहाँ से बर्ड अंदर घुसता है वो जो है सामने वाली तरफ नहीं होनी चाहिए। जब परिंदा अपने घोंसले में बैठा हो तो उसको बाहर से चलने वाला बंदा या कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, जैसा कि इस केज में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मटकी लगी हुई है इसका मुंह दूसरी तरफ है, ना तो मुझे परिंदा घोंसले में बैठा हुआ नज़र आ रहा है ना ही तो परिंदा मुझे देख सकता है घोंसले में बैठा हुआ। तो हमेशा डायरेक्शन इस तरह की रखें कि परिंदे का जो बॉक्स है ब्रीडिंग बॉक्स वो दूसरी तरफ हो और हमेशा बॉक्स जो है फैला कर लगाएँ। मेरी कॉलोनी में एक तो सामने वाली दीवार पर बॉक्स लगे हैं, फिर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ और बैक पर भी जो है ब्रीडिंग बॉक्स लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ छनियाँ भी मैंने लगाई हुई हैं जिस पर डब्स ने कब्जा कर दिया है। इस तरह की छनियाँ भी आप ब्रीडिंग बॉक्स के तौर पर या घोंसला बनाने के लिए फिंचेस के इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टिंग मटेरियल क्या है और नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई भी इस तरह का घास फूस वगैरह जिससे फिंच अपना घोंसला बनाए नेस्टिंग मटेरियल कहलाता है। और नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड चीज़ जो है वो ये नारियल के बाल हैं, ब्राउन वाले नारियल का जो रेशा होता है इसको आप अच्छे तरह तिनका तिनका करके छील कर अपनी फिंचेस को डाल सकते हैं, जिससे को फिंच बहुत ज़्यादा लाइक करती है और सबसे अच्छा घोंसला फिंच इसका बनाती है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि इससे ना तो कीड़े वगैरह पैदा होते हैं और ना ही तो इसमें स्मेल आती है। दूसरे नंबर पर आता है गार्डन ग्रास, ये मेरे पास काफ़ी थोड़ा सा था, मैं अपने पौधों से अभी निकाल कर लाया हूँ, दिखाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर, इससे ही फिंच बहुत लाइक करती है और बहुत ईजीली इससे घोंसला बना पाती है। इसके अलावा रुई, ये जो कॉटन होता है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंच इसके अपने घोंसला नरम मुलायम बनाती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक बच्चे इसमें बहुत कंफर्ट रहते हैं, दूसरा अंडों को गर्माइश बहुत अच्छे मिलती है। एक और चीज़ जिसके बहुत ज़्यादा सवाल ही पूछे जाते हैं वो है ये परिंदों के पर, कबूतर या मुर्गी वगैरह के जो पर हैं ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंच इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। एक तो इससे घोंसला बहुत ज़्यादा नरम मुलायम बनता है, दूसरा घोंसले का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है इसमें। यह भी आपको मैं डाल के भी दिखाता हूँ, आप देखेंगे फिंच कितना ज़्यादा इसको पसंद करती है। नेस्टिंग मटेरियल इस्तेमाल किस तरह से करना है, डायरेक्ट फेंक देना है या खुद से मटकी में डालना है और किस किस टाइम डालना है? कुछ सबसे ज़रूरी बात यह है कि फिंच का जो नेस्टिंग मटेरियल है वो आपने एक ही टाइम यानी पहली बार में सारा फिंच को दे देना है ताकि वो अच्छे से अपना घोंसला बना सके पहले क्लच में, और जब दूसरा क्लच शुरू करे तो आपने दोबारा तब नेस्टिंग मटेरियल देना है। डेली या बार बार नेस्टिंग मटेरियल नहीं डालना है, इससे यह है कि जो पुराने अंडे होंगे या छोटे बच्चे होंगे वो बच्चे जो हैं मर सकते हैं नेस्टिंग मटेरियल में दबकर, क्योंकि फिंच जो है नेस्टिंग की बहुत ज़्यादा लालची होती है और वो अपने नेस्टिंग लेकर जाती है नेस्टिंग मटेरियल बार बार घोंसले में, जिस वजह से वो अपने पुराने अंडे या जो उनके छोटे बच्चे होते हैं वो दबा भी सकती है। तो एक ही बार में आपने फिंचेस को अच्छा खासा नेस्टिंग मटेरियल, रुई वगैरह, जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई जैसे पर वगैरह हैं ये सब आपने दे देने हैं ताकि फिंच एक ही बार ले जाकर अपना घोंसला बना ले। इसके अलावा देना किस तरह से यानी कि घोंसला कैसे होना चाहिए, कुछ नेस्टिंग मटेरियल यानी 50% नेस्टिंग मटेरियल आप पहले से डाल दें, जैसे ये आपको पाइप में डला हुआ नज़र आ रहा है प्रॉपर डाल के दबा कर गोल कर दें और फिर बॉक्स या नेस्टिंग पिंजरे में उसके बाद कुछ नेस्टिंग मटेरियल डालें, फिंच अपने हिसाब से उसकी कुछ सेटिंग कर लेगी। फिंच डाइट, फिंच की डाइट की, फिंच की खुराक की बात की जाए तो फिंच की खुराक में शामिल है मिक्स सीड, जी हाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने कुछ सीड मिक्स किए हैं जो गर्मियों के लिए अलग और सर्दियों के लिए अलग होते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन फूड, सॉफ्ट फूड और अंडे के छिलके
और इसके साथ इस तरह मैंने आपको केज के टाइम पर बताया था केज एक्सेसरीज में के कैल्शियम ब्लॉक जो समुद्री झाग की शक्ल में होता है और नमक के पत्थर की शक्ल में होता है। ये चीज़ें फिंच की खुराक में शामिल है। फिंच के सीड मिक्स में क्या क्या चीज़ होती है, यहाँ पर मैंने लाल चावल ही मिक्स किया हुआ है। ये जो है फिंच के सीड में नहीं है क्योंकि मेरी फिंच कॉलोनी में डव्स भी हैं, तो इसलिए मैंने लाल चावल मिक्स किया हुआ है। फिंच के सीड मिक्स में बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल कंगनी और बारीक बाजरा शामिल है जो फिंच बहुत शौक से खाती है। इसके अलावा सावा सीड जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में। जी हाँ, सावा सीड की तासीर काफ़ी गर्म होती है, जिस वजह से सावा सीड और कनारी सीड हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, और गर्मियों के जो मिक्स सीड बनाते हैं हम उसमें मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी और बारीक बाजरा मिक्स करते हैं। इसके अलावा सर्दियों में हम मछली का कैप्सूल और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं दाने में, ताकि परिंदा गर्म रहे और हमें अच्छी ब्रीड दे। और गर्मियों में हम जो है कोशिश करते हैं सॉफ्ट फूड और ग्रीन फूड ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड में हम इनको पालक, मेथी, लूसन वगैरह दे सकते हैं, और एग बॉयल करके डबल रोटी या पापे को उसमें अच्छी तरह मैश करके वो दे सकते हैं, जो फिंच बहुत अच्छे से बहुत शौक से खाती है और फिंच की ब्रीडिंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। वाटर फॉर फिंचेस, पानी के बारे में बात करते हैं जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। पानी तो वैसे भी ज़िंदगी है, मगर छोटे परिंदों के लिए ख़ास तौर पर पानी बहुत ही लाजमी चीज़ है, ब्रीड लेने में भी और वैसे भी। ख़ासतौर पर फिंच और बजरिश के लिए पानी किस तरह का देना है इस बारे में कोई बात नहीं करता है। तो सर्दियों में पानी देने का तरीका अलग है और गर्मियों में पानी देने का तरीका अलग है। पानी आपने हर हाल में 24 घंटे में चेंज करना ही करना है सर्दियों में, और गर्मियों में दिन में दो बार पानी लाजमी चेंज करें, और हमेशा ताज़ा मीठा पानी डालें। जो मीठा पीने वाला पानी होता है जो खुद आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला पानी हमेशा परिंदों को दें, इस्तेमाल करें। और पानी में आप मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक भी जो है पानी में देना मुनासिब है। सर्दियों में पानी हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में दें, और पानी इस तरह का आप दें जो नॉर्मल पीने के काबिल हो, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना हो। कुछ लोग ये करते हैं कि सर्दियों में रात को पानी निकाल देते हैं और दिन में तकरीबन 10-11 बजे पानी देते हैं। ये तरीका मेरे नज़दीक बिल्कुल ठीक नहीं है। पीने का पानी जो है 24 घंटे पिंजरे में होना चाहिए। सुबह सवेरे आप पानी चेंज कर दें, और इस तरह से शाम में जो है पानी ताज़ा डाल के भले रख दें, और अगले दिन दोबारा सुबह पानी चेंज कर दें। लेकिन पानी जो है 24 घंटे पिंजरे में होना चाहिए, और बर्तन जो है हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए परिंदों का। इसके अलावा गर्मियों में आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के लिए। इस तरह का खुला बर्तन गर्मियों में आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं फिंचेस के लिए। इसमें एक तो फिंचेस आएंगी, दूसरा गर्मी में क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता ज़्यादा जल्दी। और कोशिश करें गर्मियों में आपने पानी दो बार चेंज करना है, ताकि पानी ठंडा रहे। जब ज़्यादा गर्मी हो तो क्या करें, वक्तन फवक्तन पानी जो है फिंचेस बार बार नहाती है, पानी दिन में दो बार तब्दील किया करें। सर्दियों में परिंदों को नहाने ही देना है, और गर्मियों में पानी नहाने के लिए डालना है परिंदों के लिए। पानी में हम हर 15 दिन के बाद एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। एंटीबायोटिक के तौर पर हम वाइब्रोमाइसिन कैप्सूल या कोई भी लाइट एंटीबायोटिक परिंदों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर 15 दिन के बाद एक बार पानी में लाजमी इस्तेमाल करना है। और उसके बाद 15 दिन के बाद एम पी और वाइटिलिन एम का सिरप पानी में लाजमी इस्तेमाल करना है। ये क्या है कि यह एक सस्ता सोर्स है कैल्शियम और विटामिन का। फिंचेस डिजीज एंड मेडिसिन, जी फिंच हॉबी में न्यू फेंसियर को जो सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वो टाइम होता है जब आपका बर्ड बीमार हो जाए या आपके परिंदे में कोई बीमारी नमूदार होने लग जाए। फिंच वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सख्त जान परिंदा है, जिसमें बहुत कम बीमारियां अटैक करती हैं। जिन बीमारियों की फहरिस्त में मोशन है, एलर्जी है, जिसमें यानी कि फंगस वगैरह लग जाते हैं चोंच या पंजों को, और इसके अलावा हीट स्ट्रोक की वजह से परिंदा मर जाता है। ये तीन बीमारियाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत ही कम फिंच में बीमारियाँ पाई जाती हैं। मोशन किस वजह से होता है, ये तो परिंदे को बहुत ही ज़्यादा मौसम जो है इफेक्ट कर देता है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, डायरेक्ट हवा से हम अपने परिंदे को ना बचाएं, या बहुत ही ज़्यादा गर्म लू से हम अपने परिंदे को ना बचाएं, जिस वजह से परिंदे को मोशन हो सकते हैं, या हमने अपने परिंदे को साफ पानी या साफ दाना नहीं डाला, जिस वजह से परिंदे को मोशन हो सकते हैं। मोशन में हम जो है दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है फ्लैजल। फ्लैजल मोशन में बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन या 10 ml दवा का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर परिंदा फूल के बैठ रहा है या परिंदे को बुखारी की कैफियत आपको नज़र आ रही है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एरिनेक। एक एंटीबायोटिक का काम करता है, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी यही है कि 1 लीटर पानी में 10 ml दवा को इस्तेमाल करना है हमने। और अगर परिंदे को फंगस लग जाए, यानी कि इसकी चोंच और पंजे ख़राब होने लग जाए, तो ये ज़्यादातर खुश्की के बायस होता है या केज की गंदगी की वजह से होता है। केज की गंदगी से क्या मुराद है, यहाँ भी आपको मेरे केज में नीचे काफ़ी ज़्यादा कुछ कंगनी का छिलका पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये केज की गंदगी में नहीं आता, ये गंदगी में तब आएगा जब ये गीला हो जाएगा, तो गंदगी हो जाएगी। सर्दियों में ये मैं जानबूझकर रहने देता हूँ अपने केज के नीचे। ये एक तो कारपेटा काम करता है, दूसरा जब ताज़े बच्चे ऊपर गिरते हैं तो वो डायरेक्ट फ्लोर पर नहीं गिरते, थोड़ी सी जगह सॉफ्ट होती है इससे ही बचे होती है, और डायरेक्ट ठंडे फ्लोर से ही बच जाते हैं।
गंदगी से मुराद पीठे वगैरह बहुत ज़्यादा हो, या नीचे गंद और कीचड़ बन जाए, यानी कि पानी गिरता रहे उसकी सफाई ना की जाए, तो ये गंदगी होती है। तो इससे हम बच किस तरह रह सकते हैं, हमें अपने जो परिंदों को फंगस लग गया उनको हमें ऑयल की मसाज करनी होती है, यानी कि डेली दिन में एक बार ऑलिव ऑयल पंजों पर और चोंच पर लगा दें। 3 से 4 दिन अगर हम ये अमल करेंगे तो हमारे परिंदे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा हमें वेब्रामाइसिन या मार्केट से कोई भी लाइट परिंदों का एंटीबायोटिक मेडिसिन लेकर 15 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में 10 ml दवा, इस हिसाब से आपके पास जितने भी परिंदे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर 0.5 लीटर पानी आपका एक दिन में इस्तेमाल हो रहा है तो आप 5 लीटर दवा का इस्तेमाल लाजमी करें, जिससे आपके परिंदों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और परिंदों में कोई बीमारी भी नहीं आएगी। हमारी वीडियो का आज का आखिरी और सबसे अहम टॉपिक ब्रीडिंग किस तरह से हासिल करें, यह ब्रीडिंग क्या है। कोई भी फैंसियर जो बिज़नेस की नीयत से कारोबार के इरादे से, यह शौकिया जो शौकीन इंसान है हॉबी के तौर पर बर्ड्स रखते हैं, जब उनके बर्ड्स अंडे या बच्चे करते हैं तो वो खुशी अलग होती है, वो सिर्फ परिंदे रखने वाले ही वो खुशी समझ सकते हैं। तो उनसे परिंदों से अंडे और बच्चे हासिल करना, यानी ब्रीड हासिल करना ये मकसद है। तो ब्रीड या अंडे बच्चे किस तरह से हासिल किए जाएँ, ये जो मैंने आपको पहले कुछ टॉपिक्स बताए हैं, अगर इन पर आप अमल करते हैं तो आपके परिंदे ज़रूर अंडे और बच्चे आपको देंगे। यानी आप केज वगैरह प्रॉपर डाइट इनकी ख्याल रखते हैं, आप इनके खाने पीने का इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ज़रूर आपके परिंदे अंडे या बच्चे करेंगे। अगर फिर भी आपके परिंदे अंडे या बच्चे नहीं कर रहे तो उसमें कुछ बहुत अहम चीज़ें होती हैं जो कि मेन वजूहत बनती हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जोड़ों का मुकम्मल ना होना, यानी कि जोड़े ना होना, एक ही जेंडर होना, यानी कि या तो मेल ही मेल या तो फीमेल और फीमेल ही होना, जिस वजह से हम ये समझते हैं कि हमारे पास तो पेयर है, वो अंडे बच्चे नहीं कर रहे, परिंदे हमने रखे हैं अंडे बच्चे नहीं कर रहे, लेकिन दरअसल हमारा जोड़ा पूरा नहीं होता। दूसरी वजह क्या है कि परिंदे की उम्र पूरी ना होना। जी हाँ, परिंदे की उम्र ही बहुत ज़्यादा फैक्टर, बहुत ज़्यादा मायने रखती है ब्रीड में। फिंच वैसे 3 महीने की उम्र में ब्रीड करने के काबिल हो जाती है, लेकिन बेहतर है हम फिंच से 6 महीने की उम्र में ब्रीड हासिल करें। और तीसरी चीज़ जो है, परिंदा स्ट्रेस में होता है, परिंदा किस चीज़ से डर रहा होता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में बताया कि केज की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, हमने ये चीज़ें तो ख्याल कर ली, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ कि पिंजरे में चिपकली वगैरह, बिल्कुल चिपकली जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, सबसे बड़ी दुश्मन है ख़ासतौर पर फिंच और बजरीज की। तो चिपकली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है और परिंदे को स्ट्रेस से बचाना होता है। परिंदे को किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, परिंदा डरा हुआ नहीं होना चाहिए, परिंदा थका हुआ नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो इंशाल्लाह हमारा परिंदा हर हाल में ब्रीड करेगा और हमें एक अच्छी ब्रीड देगा। अगर ब्रीडिंग के हवाले से आपको फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आपके परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इन तमाम चीज़ों पर अमल कर रहे हैं और आपने मुकम्मल वीडियो देखी तो इंशाल्लाह आपके परिंदे ज़रूर बज़रूर ब्रीड करेंगे। जी दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी फिंच के हवाले से वीडियो, किस तरह से आप फिंच का एक प्रॉपर सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में तमाम तर चीज़ों पर मैंने बारीकी से नज़र डाली और आप लोगों को एक चीज़ बारीकी से बताइए, अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, कोई टॉपिक रह गया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अपना प्रॉब्लम, इंशाल्लाह मैं आपके प्रॉब्लम पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए चाहते हैं इजाज़त, अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी सवाल के लिए भी, किसी भी फीडबैक के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।